मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री सौनकादि ऋषियों ने सारे इंद्रियों को निंदा कर रहे हैं, और अगर ये भगवान ये जो जीवन दिया है, अगर ये जीवन को भगवान की भक्ति में अगर हम नहीं लगाए तो ये जीवन वृथा है। इसलिए सुन रहे थे, बोले तारा वह कि नम जीवंती भस्राम की न ससंतुत न खादंती न महंती किम ग्राम पसरा पसव पर। इसलिए भागवत कहता है कि ऐसे लोग देखे हो जो चल रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, हैं? ऐसे व्यक्ति देखे हो जो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति मरा हुआ। बोले ऐसे कैसे थोड़ी हो सकता है? बोले हाँ, मैं दिखा था। बोले कौन है? बोले जीवन सबो है, मतलब जीवित रहते हुए भी वो व्यक्ति सब, मतलब वो व्यक्ति मरा हुआ है। बोले कौन है? बोले जीवन सबो भागवतांग रेणु न जात मर्त अभिलवित जस्तु। भागवत एक नया चीज दिखाता है, जिनको भगवान ने ये मानव शरीर तो दिया है, लेकिन ये मानव शरीर पाने का बावजूद भी वो जीवित तो होते हुए भी मरा है। कौन है? बोले जिन्होंने भक्तों का चरण धूलियों को जिसने अपना शरीर में नहीं लगाया, कहते वो जीवित रहते हुए भी वो मरा है। जीवन सबो है, इसलिए तभी ये जीवन की सार्थकता है जब हम ये जीवन को भगवान की भजन में, भगवान की भक्ति में, और भक्तों का चरण धूलि को द्वारा ये जीवन को अगर हम अभिषिक्त करते हैं तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है। नहीं तो कहते जिंदा रहते हुए भी हम एक व्यक्ति मरा हुआ है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन मरा है। इसलिए कहते तरब किम न जीवंती। अगर केवल जिंदा रहना ही सब कुछ हो, वृक्ष भी हजार हजार साल तक जिंदा रहते हैं। इसलिए क्या करो, जीवन पा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उसको बाद में और एक बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, बोले स्वीट बराह ओष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु न जात कर्ण पथ पेत जातो नाम गदा ग्रज। बोले जिन्होंने ये मानव शरीर तो प्राप्त किया है, लेकिन ये प्राप्त करने का बावजूद भी जिन्होंने इन्हीं कानों के द्वारा भगवान की कथा नहीं सुने, उसको क्या कहते हैं? बोले वो चार चार जानवर उनको बताया है, उनको चार चार जानवर बताया। बोले पहला नंबर, बोले सो बीट है, कहती ये बिष्टा खाने वाला कौन ये है? हाँ, कहती ये के स्वर है बराह, सो बीट बराह। दूसरा नंबर बोले ऊट है। बोले ऊट क्या करता है? ओ कोमल कोमल पत्ता दे तो वो नहीं खाएगा, ढूंढेगा बबलू का पेड़ कहाँ पर है, कांटा के वृक्ष कहाँ पर है। इसलिए कहते वो कांटे खाने वाले एक ऊंट है। बोले तीसरा नंबर में बताया, बोले वो एक कुत्ता है, हैं? जो कुत्ते को देखना, अगर कहीं सूखा हड्डी पड़ा हुआ देखेगा ना, वो इधर उधर देखेगा कोई नहीं, पकड़ करके किसी गुप्त स्थान में चला जाएगा और उसको चिबाते रहेगा, लेकिन उसमें वो सूखा हड्डी है, लेकिन अपना मुंह से खून निकलता है, उसको खा खा करके सोचता है हड्डी में क्या रस है। और चौथा नंबर क्या है? बोले खरई। खरई मतलब होता है गधा, हैं? भारवाही ये एक गधा है, जिनको भगवान मानव शरीर दिए लेकिन भजन नहीं करते हैं, भागवत उनको गाली देता है, भागवत उसको गाली देता है।
तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी को ऊपर में एक सुंदर एक कहानी को माध्यम में समझाए, कहते ऐसे कैसे एक व्यक्ति को गधा कुत्ते सुअर ऊंट कैसे उसको गाली ऐसे कैसे दे रहा है भागवत हैं। तब उन्होंने एक सुंदर कहानी सुनाई, बोले एक समय एक है पहला नंबर बताए सुअर, एक समय सुअरों का कोई एक मीटिंग हो रहा था। बोले भैया बगैर सभापति का तो मीटिंग हो ही नहीं सकता है, इसलिए कोई एक सभापति ढूंढो। देखा एक इसी जगत खूब एजुकेटेड है, कोट बूट सूट पहना हुआ बड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति, उनको आ करके बोले भैया हमारी एक मीटिंग हो रहे हैं उसमें कोई सभापति नहीं, आप सभापति बनने के लिए आपको हम निमंत्रण देते हैं। कहते सभापति बनता है कौन? बोले जो गण्यमान्य व्यक्ति जो श्रेष्ठ व्यक्ति वही सभापति बनता है, मतलब हम जितने सुअर है ना सुअर से तुम सबसे बड़े सुअर हो, उसको ये बताना चाहते सबसे बड़ा सुअर हो। तो उसको तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे को तुम सुअर बता रहे हो, हाँ सुअर का सभापति बनूंगा मतलब सबसे बड़ा सुअर है। बोले और क्या? बोले कैसे? तो वो सुअर कहता है बोले देखो हम क्या करते हैं, सुअर का घ्राण शक्ति बड़ा तेज होता है, बड़े दूर पर बिष्टा कहीं पड़ा हुआ होगा, भगवान बराह अवतार लिया ना, बोले बराह अवतार भगवान क्यों लिया? बोले पृथ्वी में मेन गंध है, अब ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी इसलिए सुअर का जो घ्राण शक्ति बड़ा तेज होता है, इसलिए ठाकुर ने क्या किया उन्होंने सुअर अवतार लेकर के एकदम पानी को अंदर में प्रवेश करते हुए उन्होंने पृथ्वी का अपना धुरी पर उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते मेरे को तुम लोग सबसे बड़े सुअर बताए। बोले सुअर का बड़ा घ्राण शक्ति, बहुत दूर कहीं बिष्टा पड़ा होगा देखना वो सुअर सूंघते 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 चला जाएगा, ठीक वहीं पर जाकर बिष्टा को ग्रहण करेगा। कहते जो विषय है विषय को शास्त्र में बिष्टा बताया, विषय को बिष्टा बताया, लेकिन जीव क्या करता है, जिसने भगवान तुमको मानव शरीर दिया भजन करने के लिए, कहाँ लाख चौरासी ब्रह्म के ये नरतनु देही, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिलता है, जिसको भगवान कहते हैं बड़े भागमान सतन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये मानव शरीर, इसलिए साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन ये जीवन पा करके कहाँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, देखना जी भक्ति नहीं करता कहाँ पर चलता है, जहाँ विषय हो ना सुनते सुनते वहीं पर चल जाएगा हैं, जाकर जहाँ पर लोग अड्डा मार रहे हैं, जहाँ भगवान की कथा नहीं, जहाँ पर कोई हरी चर्चा नहीं, जाकर के लोग जाकर वहीं पर बैठते हैं। इसलिए कहते हैं ये बिष्टा बिष्टा और किसको बिष्टा कहते हैं, इसलिए मनु संहिता कहता है स्वान बिष्टा समच अर्ण निरंच सूर्यासम, जो वस्तु भगवान का भोग में नहीं लगता है, ठाकुर जी को भोग में नहीं लगाते जो चीज को, उसको भी एक बिष्टा बताया। बोले तुम लोग क्या करते हो, बगैर भगवान को भोग लगाए हुए सब के सब ग्रहण करते हो, इसलिए तुम तो बड़ा सुअर हो हैं, तुम बड़ा सुअर हो। इसलिए इतने में उसको तो बड़ा क्रोध आया, मेरे को तुम सुअर बना दिया। इतने में उसको बाद में एक ऊंट आया और ऊंट भी आकर के उनको स्तुति कर रहा है। बोले भैया क्या बात है, स्तुति क्यों कर रहे हैं? बोले हमारी एक मीटिंग हो रहा है उसमें कोई सभापति नहीं, हम चाहते हैं आप वो सभापति पद को अलंकृत करें, इसका मतलब तुम सबसे बड़ा ऊंट हो, तुम सबसे बड़ा ऊंट हो। बोले तुम मेरे को ऊंटों का सभापति बनाना चाह रहे हो? बोले और क्या, हम देखते हैं हमारी ऊंट में जो गुण तुम्हारी अंदर में भी गुण। बोले ऊंट क्या करता है, अब देखना कोई कोमल कोमल आम की पता हो, कोई सुंदर पता हो ना, ऊंट नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कांटा कहाँ पर है और ढूंढते ढूंढते जहाँ बबलू का कांटा होगा और दूसरा कांटा होगा वो उसी कांटा को ही खाएगा। जब वो कांटा को खाता है उसको मुंह से खून निकलता है, उसको ऐसे लगता है शायद ये कांटा में ही कोई रस है, लेकिन ये कांटा में कोई रस नहीं है। वो कांटा खाने पर उसको मुंह में चुभता है, चुभने पर उसको मुंह से खून निकलता है और वो खून को पीता रहता है और सोचता है शायद बड़ा आनंद आ रहा है। बोले ठीक उसी तरह अब सबसे बड़े ऊंट, इसीलिए अब क्या करते हो, जो भगवान की जो मधुर मधुर जो कथाएं हैं, भगवान की जो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलमसापहम, भगवान की जो
मधुर मधुर कथाएं, भगवान की मधुर मधुर कथा में तुम्हारी रुचि नहीं। तुम्हारी कौन सा कथा में रुचि है? बस तुम्हारा बेटा क्या कर रही थी, बेटी क्या कर रही थी, तो उसका क्या हो रहा था, दुनियादारी की बात में तुम लोग उसमें ही डूब जाते हो। भगवान की कथा में तुम लोग, तुमका तुम्हारी कोई रुचि नहीं, इसलिए तुम कौन हो? बोले तुम वो के ऊट हो। तीसरे में आया है, कहते एक आया गधा, वो गधा भी आकर के स्तुति कर रहा है। बोले क्या बात है भैया? बोले गधाओं का एक मीटिंग हो रहा है, लेकिन उसमें कोई सभापति बनने के लिए कोई है नहीं, इसलिए आप कृपा करके उसको अलंकृत कर। मतलब सबसे बड़े कौन हो? सबसे बड़े तुम गधा। बोले तुम मेरे गधा बना रहे हो? बोले और क्या, गधा क्या करता है? अब देखना, गधा पीठ के ऊपर में जितने चीनी चावल और तेल घी पहाड़ में देखना, वो सब पीठ पर ले जाता है ढोकर की, लेकिन मालिक कभी भी उसको है कभी भी एक गिलास शरबत बना करके नहीं पिलाता है, कभी एक पराठा बना कर नहीं खिलाता है, कभी टिकिया बना कर नहीं खिलाता है उसको कभी नहीं खिलाता है। वो क्या खाता है? वो घास ही खाएगा है, वो घास खाता है। कहते उसी तरह ये संसार में जीव क्या कहते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले गर्ध बेरा मतामी कारी परिश्रम कार लागिए त करी ना गुची लभ्रम। इसलिए यहाँ पर भक्तिमन ठाकुर कहते हैं गर्ध बर मतामी करी परिश्रम, संसार में जीव क्या करते हैं, सारा दिन काम करते हैं। गधा जैसे दिन भर पीठ पर बोझा ढोता है, दिन भर पीठ के ऊपर संसार रूपी बोझा को ढोता है, लेकिन कार लागी एत करी ना घुचिला भ्रम। वो कह रहे हैं हम जो संसार में इतने परिश्रम कर रहे हैं, भैया सोचो तो किसके लिए कर रहे हो? कस्य का पुत्र पुत्रा द्रम हो वही कारण। संसार तो मोह माया है, जिनके लिए तुम कर रहे हो संसार में, सोचते मेरे बीवी है, बच्चे है, भाई है, बंधु, ये तो संसार झूठा संसार, मिथ्या संसार है, हैं? ये तो मिथ्या संसार है, इसलिए कर रहे हो किसके लिए तुम? और जितना जिंदगी भर भले ही किसके लिए करो, जितना जिंदगी भर कर लो, और थोड़ी सी कोई त्रुटि विचित हो जाएगा ना, थोड़ी सी है, बोले आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गान और तुम कौन। इसलिए संसार बड़ा विचित्र दुनिया है, हाँ, लेकिन जो भक्त लोग का जो संसार है, भक्त लोगों का जो संसार है, ये संसार सही है। क्यों? यहाँ पर जो कुछ करते हैं ठाकुर जी के लिए करते हैं, भगवान के लिए कहते हैं। बोले तब तक ये माया है जब तक हम भगवान के लिए नहीं करते हैं। जब भगवान के लिए करते हो माया नहीं, वो तो भगवान की भक्ति हो गया, भगवान की सेवा हो गया है। इसलिए वो गधा कहता है देखो मैं दिन भर क्या करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, पीठ पर ईंट ढोता हूँ, दाल चावल ढोता हूँ, लेकिन सोचता हूँ अगर मैं जब रात को अपना गाधी को पास में जाऊंगा, लगता है गाधी तो थोड़ी मीठी मीठी बोली तो बोलेगी, प्यारी प्यारी तो मीठी बोलेगी। आप देखना दिन भर लोग परिश्रम करते 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 घर जब आएंगे ना, बोले स्त्री पद ताड़िता, विश्वनाथ चकुटार कह रहे हैं, लेकिन स्त्री क्या करती है, लात मारती है। बोले अभी तो क्या कर रहे थे, इतना लेट क्यों हुआ, घर में सब्जी नहीं, ये ले आओ। फिर आदेश है, जितने परिश्रम करने पर भी घर में आप फिर सबका गाली गलत सुनो, सबको गाली गलत सुनो संसार में। इसलिए कहते भैया तुम तो के हैं, तुम तो के, और गाधी क्या कर, देखो गाधी वो लात मारती है, इसलिए कहते गाधी को पीछे नहीं जानी चाहिए, वो लात मारती है ना। कह ठीक उसी तरह संसार का लात भी हमारे ऊपर, संसार का सबका लात, सबको खिलाओ पिलाओ और सबका गाली गलत सुनो, सबकी गाली गलत सुनो संसार में। इसलिए कहते तुम सबसे बड़ा गाधा है। इतने में कुत्ता आता है, कुत्ता भी स्तुति करता है। बोले क्या भैया क्यों स्तुति कर रहे हो? बोले कुत्तों का एक मीटिंग है, लेकिन उसमें कोई सभापति है नहीं, आप कृपा करके सभापति पद को नियुक्त उसमें अलंकृत करो। मतलब तू सबसे बड़े कुत्ते हो, हैं? सबसे बड़े कुत्ते हो। बोले तुम मेरे कुत्ते बना दिया। बोले और क्या? बोले कुत्ता क्या करता है बताए ना, देखा कुछ कोई सूखा हड्डी पड़ा होगा, झट उसको पकड़ करके इधर उधर देखेगा, कोई तो नहीं, जंगल में ले करके खूब चिबाएगा, मुंह से खून निकलेगा, सोचेगा इसमें बड़ा आनंद है। क्या ठीक उसी तरह हम भी संसार का विषय रूपी जो विष को पान करते हुए सोचते हैं शायद बड़ा आनंद है, लेकिन आनंद नहीं। इसलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है, संस्तुत पुरुष पशु।
संस्तुत इसी शब्द को भर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते संस्तुत। संस्तुत मतलब वो केवल स्तुति नहीं कर रहे हैं, सम्यक रूप में स्तुति कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या, वो गधा कहता है देखो मैं गधा हूं, मेरे अंदर में केवल गधा का ही गुण, ये सूअर का गुण नहीं, ऊंट का गुण नहीं, और ये कुत्ता का भी गुण नहीं, लेकिन तू ऐसे कि गधा ही, गधा का गुण तो है ही तेरे अंदर में, ये कुत्ते का भी गुण है, ये सूअर का गुण और ऊंट का भी गुण तेरे अंदर में, ये सारे को सारे जानवर का गुण तेरे अंदर में सबके सब, इसलिए तू सबसे बड़े कुत्ते और सबसे बड़े क्या है ऊंट हो, सबसे बड़े गधे और सबसे बड़े क्या है सूअर हो, है। इसका मतलब क्या, जिनको भगवान ने ये मानव शरीर दिया लेकिन ये जीवन पा करके न जत कर्ण पथ पे तो जातु नामक गदाग्रज, जिनकी कर्ण कुहर में भगवान की ये अमृतमयी कथा प्रवेश नहीं किया उनको भागवत उनको गाली बकता है। इसलिए जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते अभी तक श्री सुतो गोस्वामी उन्होंने बाहर इंद्रियों को उन्होंने निंदा किया, बाहर इंद्रियों को निंदा किया है, कान पाकर क्या करनी चाहिए, आंख पाकर क्या करनी चाहिए, हाथ पाकर क्या करनी चाहिए, जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, अभी बाहर इंद्रियों को निंदा करते हुए अभी वो अंतर इंद्रियों को निंदा कर रहे हैं। अगर ये अंतर इंद्रियों को द्वारा अगर भगवत कथा तुमने नहीं सुनी, कथा सुनकर के हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या क्या है, ओ तदस्म सारम, बोलो जोर से, बोले तदस्म सारम हृदय बदेतम जद गृह मानै हरि नाम धैयै न विक्रियेतार्थ जता विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। अगर भगवान की कथा श्रवण करते हुए अगर हमारे हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, हाँ भगवान की नाम कथा को सुन करके, फिर क्या है, अगर हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, अगर आंखों से आंसू अगर नहीं आता है तब क्या समझो उसका हृदय कैसे है, तदस्म सारम है। तदस्म सारम मतलब क्या, लोहे, कहते लोहे को जैसे है, हैं पत्थर जैसे, इसलिए हमारे श्री लोचनदास ठाकुर कहते, लोचनदास ठाकुर ना, हाँ कहते क्या परान, हाँ इसमें क्या पहला है, परम करुणा ओहो दुई जना दयाल निताई गौर चंद्र आ सब अवतार सार सिरो मणि केवल आनंद कंद पशु पाखी रे पाषाण भी दरे सुनी जा रघुना गाथा पशु पाखी झोरे पाषाण भी दरे सुनी जा रघुना गा। इसलिए ये भजन में कहते हैं क्या कहते हैं, कहते भगवान की कथा श्रवण करते हुए हैं, कहते मन पाषाण तो गोल नारे और पाषाण होते होले गोले जाते बोले, देखो अगर पत्थर भी होता है ना वो भी भगवान की कथा सुन करके, वृंदावन में देखो जैसे चरण पहाड़ी है, कितने सारे चरण पहाड़ी ब्रज में भगवान की गुण से भगवान की लीला से वो द्रवीभूत हो गया। महाप्रभु को लीला में भी देखो, महाप्रभु जब जंगल में जा रहे थे झारखंड में, अभी भी वो चिन्ह सब है, सांप हिरण हाथी अभी भी इनका चरण चिन्ह वहां पर सबके सब अभी भी पड़ा हुआ है। कहते पाषाण होले गोले जेतो, अगर पाषाण होता है ना कहते ये भगवान की कथा कीर्तन से गोल गल जाता, लेकिन मन पाषाण तो गोल लो नारे, लेकिन हमारे जो मन रूपी जो पत्थर है भगवान की कथा से द्रवीभूत नहीं हुआ है, द्रवीभूत नहीं आ। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करके अगर हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, आंखों से आंसू नहीं बहता तो क्या समझो हमारी बहुत अपराध है। फिर यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अच्छी बात कहते हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं
लेकिन कुछ लोग लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो आंखों से आंसू बहता है, शरीर में तो रोमांच होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का हृदय द्रवीभूत नहीं होता है। हृदय द्रवीभूत के बगैर ऊपर से आंख से आंसू और शरीर रोंगट हो जाता है, हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, ये लोग अभ्यास करते हैं लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को ठकने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये अभी तो वृंदावन में आता है कि नहीं, जैसे यहाँ पर राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में क्या होता था, बंगाल से कुछ लोग आते थे अष्ट प्रहर करने के लिए, आठ पूरा प्रहर तक पूरा कंटिन्यू वहां पर क्या करते थे, पूरा कीर्तन 24 घंटा कीर्तन होता था। ऐसे कीर्तन गाएंगे ना, जितने लोग कीर्तन सुनेंगे रो रो कर बेहाला हो जाएंगे, हरे एक घंटा लगाएंगे और बस, और ऐसे रोएंगे और ऐसे लौट पोट खाएंगे, ऐसे भाव दिखाएंगे, लोग बाबर लोग देख करके ना बोले कि बाबर ये तो बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा भक्त है, हैं, बहुत बड़ा भक्त है। ऐसे लोग एकदम देख देख करके सब पागल हो जाते हैं और आंखों से जो आंसू बहेगा सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जब कीर्तन खत्म हो जाएगा ना, देखोगे पीछे जाकर बीड़ी फूंक रहे और जाकर के बंगाल में तो इधर बंगाल में मछली खा रहे, मछली खाते हैं और सिगरेटें फूंकते हैं, हाँ इस सब के सभी सब करते हैं, लेकिन ऊपर से क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करके लोगों को रिझाने के लिए ये सब चीज करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बोले स्वभावत ज्यादा चित्त पिछिल, जिसका स्वभाव तो किसी कुछ लोगों को देखना स्वभाव बड़ी कोमल स्वभाव होता है, पिछली स्वभाव होता है, पिछली मतलब होता है ना, जब काई काई जम जाती है वहां पर पानी बारिश तक गिरेगा लेकिन वो फिसल जाएगा, लेकिन उसको अंदर में नहीं जाएगा, है कुछ लोगों का ऐसे स्वभाव है, करुण स्वभाव है, अगर थोड़ी सी कोई भगवान की प्यारी कथा सुनकर बस रोना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, है ऐसे कुछ कथाकार लोग भी है ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं, सोचे तो महाभागवत है ये, है एकदम महाभागवत है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, लेकिन अंदर में कठिन स्वभाव है, ये तरह तरह का अभ्यास करके सत्वभाव व्यतीत समय और सत्वभाव, इसलिए रूप गोस्वामी तब भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक को वहां पर देते हैं, हैं क्या श्लोक है, बोले सत्व बोले निसर्ग पिछली स्वांते तदभ्यास परे अपिच सत्वभासम बिनापि स्यु क्वाप्य श्रु पुलका दय, जब तक ये सत्वभाव नहीं होगा, ये पुलक अश्रु जितने इस भाव है ना, इसको निष्क्रिय पिछल स्वभाव इसको कहते हैं, ये अभ्यास करके ये सब के सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री, लेकिन कुछ कुछ लोगों को क्या दिखाई पड़ता है, आंसू भी नहीं दिखाई पड़ता है, पुलक भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हृदय संपूर्ण रूप में कृष्ण भाव से वो द्रवीभूत होता है, लेकिन ये सब चीज दिखाई नहीं पड़ता है। तब इसको उदाहरण देते हैं कौन, बोले रूप गोस्वामी, जैसे श्री रूप गोस्वामी, जैसे यहाँ पर है जिस समय वहां भागवत कथा हो रही थी, वो भागवत में भगवान की प्रेममयी कथाओं को सुन करके वहां पर भक्त लोग तो लौट पोट खा रहे थे, आंखों से आंसू आ रहा था, रोमांच हो रहा था, सब लोग एकदम लौट पोट खा रहे, लेकिन रूप गोस्वामी एकदम धीर स्थिर भाव से बैठे हुए, शरीर में कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं उनका शरीर में। इतने में एक पत्ता उनको ऊपर में गिरा ना, सूखा पत्ता, वो जलकर राख हो गया, पत्ता गिरते ही राख हो गया, लेकिन ऊपर से क्या है, ये इतने गंभीर, रूप गोस्वामी जैसे कहते हैं जैसे समुद्र है, हैं समुद्र है, समुद्र में कितने बड़ी बड़ी मछली अंदर में रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता, तिमी माछ रहते हैं, हैं तिमी जो जहाज भी उल्टा देते हैं पलटा देते हैं, लेकिन उसका अंदर में गंभीर भाव में रहते हैं। कहते उसी तरह ऐसे कुछ भक्त लोग इतने कहते राधिका भाव गंभीर, ऐसे गंभीर भाव है, ऊपर से कुछ लक्षण नहीं दिखाने पर भी लेकिन अंदर में कृष्ण प्रेम शराब। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, कहते अगर ये प्रेम अगर दिखाई, प्रेम कब तुम्हारे अंदर में प्रेम आई, कहते क्षांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि
आसक्ति तद गुणाख्या ने प्रीति तद बसस स्थले इत्याभाव कुरदय करजने। इसलिए अगर उसका अंदर में अगर ये नौ लक्षण अगर उसका अंदर में दिखाई पड़ता है, अगर उसकी अश्रु काम पुलक होता है, फिर समझनी चाहिए ये सही है। अगर ये सब गुण गुण है ही नहीं, लोगों को ठगने के लिए अभ्यास करके हैं, लोगों को ठगवाने के लिए ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े साधु ऐसे हैं। एक बार मैं विदेश गया था यूरोप गया था, एक मंदिर में बुलाए हम कथा के लिए, जब कथा के लिए बुलाया मैं भी गया था और यहाँ से भी एक लेडीज गई थी भारत से। लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, बस हाथ में एक फूल रखी हुई, एक कथा बोलते बोलते कंपना शुरू हो गया है, ऐसे ऐसे करते शुरू गया, हाँ हाथ ऐसे ऐसे करना, वो हाथ में जो फूल था ना, हाथ में जानबूझकर फूल रखते हैं लोगों को ठगने के लिए, बस ऐसे 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 करने लग गया, करते 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 उसका हाथ से फूल गिर गया। जब गिर गया ना, लोग सोचते ये आशीर्वाद है, अरे फूल को उठा कर ले लो, वो फूल को उठा करके ले लो, अगर कहीं ये फूल को रखोगे तो बात सिद्धि हो जाएगी। ऐसे कुछ ठगी लोग है, कहते लोगों को ठगाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, इसका अंदर में अगर ये नौ गुण अगर उसका अंदर में होगा तभी ये अगर ये भाव दिखाई पड़ेगा। इसके बगैर अगर कोई भाव दिखता है, क्या समझनी चाहिए, ये ठगनी है, ठग है, ये सही चीज नहीं। तब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्या कहते हैं फिर इसको कल सुनेंगे, ठीक। इति गौर ब्रह्मानंद वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितः।